सर्व सुविधा युक्त अनुभवी ट्रेनरों के साथ जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम। हमारा पता है मलैया मैरिज गार्डन, राजघाट रोड, तिलीवाट, सागर, मध्य प्रदेश। यूक्रेन में युद्ध के हालातों के बीच एमपी के कई छात्र फंसे हुए हैं। सागर जिले के भी 3 छात्र यूक्रेन में अभी भी फंसे होना बताए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक रहली विधानसभा के गड़ाकोटा के साबुलाल बाड में रहने वाले अक्षय पटेल हैं, जो यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए गए थे, जहाँ यूक्रेन में युद्ध होने के कारण वह वहाँ फंस कर रह गए। गड़ाकोटा के साबुलाल बाड़ में रहने वाला अक्षय पटेल का पूरा परिवार अपने बेटे को लेकर काफ़ी चिंतित है। अक्षय के पिता दयाराम पटेल, जो रहली थाने में पदस्थ हैं, वह भी अपने बेटे को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। बीते दिन जनसंपर्क विभाग ने छात्र अक्षय से वीडियो कॉल पर बात की थी। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव भी सागर जिले के छात्रों को देश वापस लाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। सागर के छात्रों को देश वापस लाने क्या कहा मंत्री गोपाल भार्गव ने, जरा आप ही सुनिए। तो हमारे पास सुबह बात हुई थी, हमने उसे कहा है, क्योंकि यूक्रेन तो हमारा चर्चा नहीं हो पा रही थी, लेकिन बाजू के देश में हमने उसे कहा है या तो पोलैंड में या हंगरी में और या चेकोस्लोवाकिया में, 3 देशों में हमने कहा है। वहाँ के जो हमारे राजदूत हैं उनसे मैंने आग्रह किया है कि बच्चे जो भी हमारे यहाँ के, एक तो अपने क्षेत्रीय के जैसा आपने बताया, और भी जो बच्चे हैं इनके लिए वो सीमा पार करने की अनुमति दे और अपने देश को चरण दें। बात होती सुबह मेरे पास उसका, सो के जब मैं उठा था तो पहला मोबाइल या दूसरे नंबर का जो मोबाइल है उसी का आया था लड़के। वहीं अक्षय के माता पिता भी बेटे अक्षय को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। क्या कहना है अक्षय की माँ और उनके पिता का, जरा सुनिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दयाराम पटेल। आपका बालक यूक्रेन में है, तो उसकी क्या जानकारी? मेरा बालक अक्षय 2018 में एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन गया था, तो प्रतिवर्ष आता है लेकिन अभी नहीं आया है और वहाँ युद्ध चालू है। और जो बालक ने गुहार लगाई थी, कलेक्टर साहब के पीए नेमा जी से बात हुई थी, जो उन्होंने आश्वासन दिया बालक को कि जल्दी से ही वापस भारत ले आएंगे। रहली से आंसू दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।